हेलो माय डियर स्कॉलर्स, टुडे वी टॉक और वी डिस्कस में द मेन टॉपिक दैट इज़ अवर हिस्ट्री ऑफ एचआरएम, यानी जो एचआरएम का इतिहास है, एचआरएम कैसे इन्वॉल्व हुआ, कैसे आया और किन किन पार्ट्स को लाया गया और क्या क्या इसके फीचर्स इन्वॉल्वमेंट हुए, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एचआरएम का जो मेन पॉइंट है दैट इज़ अवर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कहाँ से इसका रिवोल्यूशंस हुआ, तो इंडस्ट्रियल में लेते हैं। तो इसका मेन पॉइंट है दैट इज अवर फ्रेगमेंटेड एंड डल जॉब्स, वर्कर डिड पोर्शन ऑफ द जॉब, वर्कर वर्क ग्लोरीफाइड मशीन टूल्स, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर नॉट प्रोटेक्टेड। तो ये हमारा मेन पॉइंट्स किस में आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में। बात करेंगे अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो इसमें टेलर ने क्या किया, टेलर एडवोकेटेड वर्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट मैकेनिकल एलिमेंट्स, यानी जो चीज़ें थी बड़ी बड़ी चीज़ों को उसमें शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में डेवलप करने के बाद, मैकेनिकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको रीअरेंज देम इनटू इफिशियंट कम्बिनेशंस में उसको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल शुड बी मैच्ड फिजिकली एंड मेंटली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क पीस रेट सिस्टम, यानी इन चीज़ों को हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में फॉलो किया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या, ट्रेड यूनियनिज्म, यानी ट्रेड यूनियनिज्म किस तरीके से फॉलो की, यानी ट्रेड में जो हमारी एकता थी वो कैसे आई, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ग्रेवियंस हैंडलिंग, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों को और परेशानियों को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे थे। फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, पे एंड बेनिफिट्स, तो ये हमारे मेन मेन पॉइंट्स थे। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, यानी ह्यूमंस का जो रिलेशंस था वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा था। एज पर द हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट बाई एल्टन मायो ने बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी वॉज इफेक्टेड नॉट ओनली बाई द वे द जॉब वॉज डिजाइन एंड एम्प्लॉय इकोनॉमिकली रिवार्डेड, बट ऑल्सो क्या, By certain social and psychological factors, यानी social जो चीज़ें सामाजिक में हो रही हैं, psychological on the basis of personal thinking level, and includes supervisory training programs, strength bonds between labor and management and counseling programs। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया किसमें, history of HRM में। Now next fifth point हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, यानी ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच किस तरीके से वर्क कर रहा था। पेट मिल्क थ्योरी दैट हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स और हैप्पी काउ गिव मोर मिल्क वाज रिजेक्टेड, यानी ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर क्या हुआ, वर्कर्स आर यूनिक विद दियर ओन नीड्स एंड मोटिवेशनल लेवल्स, दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट जॉब इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। ऑन दोज बेसिस इन्होंने क्या कहा कि जब ये हमारी चीज़ें, जॉब जो है हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है किस चीज़ के लिए, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशंस के लिए किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इन्होंने कहा कि इम्फेसाइजेस ऑन इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हमें किस तरीके से इंडिविजुअल को इन्वॉल्वमेंट करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपने डिसीजंस को लेना होगा। नाउ ह्यूमन रिसोर्स के अप्रोच के कुछ इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या, People do not dislike work if they have helped establish objectives, यानी किस तरीके से उसने अपने objectives को follow किया। फिर theory Y, theory X और theory Y जो follow होती है उसमें यहाँ पर theory Y की बात की गई कि most people can exercise a great deal more self-direction, self-control and creativity than are required in their current jobs। फिर बात की इन्होंने क्या, Manager's job is to use untapped human potential। फिर क्या हुआ, मैनेजर शुड क्रिएट अ हेल्दी सेफ एंड कन्वीनियंट इन्वायरमेंट, ये हमारे क्या थे, एचआर के जो अप्रोच थे। मैनेजर शुड प्रोवाइड सेल्फ डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, एक्सपेंडिंग सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस वर्क सेटिस्फेक्शंस। तो हमारे ये मेन पॉइंट्स थे किसके, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के और हिस्ट्री ऑफ एचआरएम के, यानी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ। ऑन दोज बेसिस हमने वेरियस मेन मेन पॉइंट्स को, सभी चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके की नोट्स की भी ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।